हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको इस वीडियो में HDFC का क्रेडिट डेबिट कार्ड और SBI का क्रेडिट डेबिट कार्ड लगा कर दिखाएंगे फुल प्रूफ के साथ में, क्योंकि कल मैंने पोखो F4 का वीडियो बनाया था, वो वाला कि जिसमें कि मैं बता रहा था कि कैसे आप पोखो F4 पर 4,000 का डिस्काउंट इस वाले फ़ोन पर ऑफ़र ये अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इस पर ये फ़ोन 24,000 में आप खरीद सकते हैं। ठीक है, ये पोखो F4 अगर आप यहाँ से नहीं देख पाए तो पहले आपको सिंपली अपना फ्लिपकार्ट खोलना है। यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको लिखना है पोको F4, फ़ोन आ जाएगा। फिर उसके बाद में जो भी आपका वेरिएंट हो, जैसे कि नाइट ब्लैक है यहाँ पर, और मुझे तो ये ग्रीन वाला चाहिए, नेवला ग्रीन 6128। यहाँ पर प्राइस 28,000 रुपये दिख रहा है। ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पर बाई नाउ पर क्लिक करना है, स्क्रैप एंड कंटिन्यू करना है। अब अगर आपका एड्रेस मेरे में पहले से ही सेव है, नहीं तो आपको यहाँ पर एड्रेस सेव करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में आपको फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है, फिर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब देखो आगे एक अब पेमेंट वाला मोड का पेज जाके खुल जाएगा। अब देखो मेरे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो क्रेडिट कार्ड है वो पहले से ही सेव है, और उसके बाद में जो स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड है वो भी मेरे फ़ोन में सेव है। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट कर सकता हूँ, लेकिन काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन ये होती है कि यार मेरे में सेव नहीं। अगर आपको अपना ATM सेव करना है तो आपको नीचे जाना है, यहाँ पर लिखा है ये क्रेडिट डेबिट कार्ड एंड ATM, इस पर आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा है 4,000 इंस्टॉल डिस्काउंट अवेलेबल, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो प्राइस आपका 24,000 यहाँ पर हो जाता है। लेकिन अगर आपको इसमें इसको कम कराना है, क्रेडिट डेबिट कार्ड पर क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, फिर इसके बाद में आपको अपना कार्ड नंबर, CVV या सब ये सब वगैरह आपको भरना होगा अपना, जो भी आपका हो। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे करना होगा, तो आपको बस सिंपली इसे कि फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा, आपको इस पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करना है, उसके बाद में आपको सीधा कंटिन्यू कर देना है। अब ये आपको उसके पेमेंट मोड के पेज पर ले जाएगा। सिंपली यहाँ पे आपके फ़ोन में एक OTP आएगा, उसको आपको भर देना है, उसके बाद में आपका सारा का सारा जो पेमेंट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है,